गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास और जिसके लिए थोड़ा बहुत मुझे मेकअप करना है। तो आइए शुरू करते हैं मेकअप करने के लिए। जो मेरे पास घर पे है मैं उन्हीं चीज़ों से मेकअप कर रही हूँ। हाँ, मैंने सनस्क्रीन लोशन लिया हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो आप मॉइस्चराइजर क्रीम भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सनस्क्रीन लोशन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेस पर अप्लाई कर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर प्राइमर लिया हुआ है। आप प्राइमर कोई सा भी ले लें जो आपके पास घर पे है। तो और मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है क्योंकि प्राइमर अच्छा रहता है, फेस को कोट करने पे सही रहता है, उसका मेकअप बेस अच्छा बैठता है। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है, दो तरीके का मैंने फाउंडेशन लिया हुआ है। एक फाउंडेशन बहुत लाइट है और एक है डार्क, तो मैंने यहाँ पर दो लिया हुआ है। तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को। मिक्स करने के बाद इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत, जिसके फेस पे कोई दाग वगैरह या फिर कुछ भी ना हो तो वो थोड़ा कम यूज़ करे, और थोड़ा सा जब ज़्यादा होता है तो ही ठीक रहता है, नहीं तो फिर कम यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम अप्लाई किया हुआ है क्योंकि मेरे फेस पे दाग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ही कम फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। मैं ब्रश से कर रही हूँ, आप टैप करके भी इसको कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर फेस पाउडर लिया है लैक्मे का, आप कोई सा भी ले लिए। ये मैंने मेकअप को फिक्स करने के लिए लिया हुआ है, अपने फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, पाउडर लगाएंगे अच्छे से। ये मैंने लगा लिया है पाउडर। पाउडर लगाने के बाद कुछ अलग ही ग्लो आ जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है लिपस्टिक, ये पेंसिल वाला लिपस्टिक है। तो ये देखिए, इसको मैंने अप्लाई किया है अपने आई शेडो के लिए। बिल्कुल मुझे हल्का सा रेड कलर चाहिए था क्योंकि मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया। तो बहुत ही लाइट यूज़ करेंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमने आई शेडो लगाया, क्योंकि हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप हो जाएगा। ये है बहुत सिंपल मेकअप जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, गेट टुगेदर करने के लिए। और मैंने यहाँ पर पेंसिल आईब्रो का पेंसिल काजल का इस्तेमाल किया हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पे आईब्रो जो ब्रश है जैसे हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं, इससे मैं इसको अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा रफ़ कर देंगे इसको ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लाइनर मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा कैजुअल लुक में जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरीके का मेकअप किया हुआ है। और ऐसे ड्रेसअप पे और जब आप किसी से मिलने जाते हो तो ऐसे मेकअप ही अच्छे लगते हैं फेस पे। और फिर मैंने यहाँ पर नीचे काजल लगाया है, दोनों आंखों में लगा लेंगे हम। फिर उसके बाद भी मैं ब्रश की सहायता से इसको इस तरीके से हम रफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत लगता है ये क्योंकि आंखों में लगता है, आंखों को थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और आंखों के अंदर इसका कुछ घुस जाए तो बहुत प्रॉब्लम देता है ये, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। और उसके बाद ये मेरा मस्करा है, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। मस्कारा कोई सा भी यूज़ कीजिए जो आपके पास घर पे है। और ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लश, तो ब्लश आप कोई सा भी यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक का इस्तेमाल किया हुआ है, लाइट पिंक थोड़ा अच्छा लगता है फेस पे। इसको भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा यू करेंगे ताकि बिल्कुल पता ना चले कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। और मैंने हल्का सा यहाँ पर आईब्रो में थोड़ा सा किया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लग गया था, और मेरे आईब्रो पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे बहुत ब्लैक है। और अगर आपके है तो लाइट है तो आप काजल का इस्तेमाल करें। फिर मैंने यहाँ पे हुडा का लिपस्टिक कलर लिया हुआ है, बिल्कुल ये लाइट ब्राउन में है, चॉकलेटी कलर है, बिल्कुल लाइट है। तो इसको हम डबल कोट पर करेंगे। पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से। कलर बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा लाइट था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ब्राउन यानी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कलर का लिपस्टिक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने दोनों का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप ऐसे ही करके दो शेड पे लगाइए तो लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा फाइनल मेकअप ख़त्म हो गया है और मैंने यहाँ पे वाइट ड्रेस है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का इयररिंग्स लिया हुआ है। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले ख़रीदा था और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, और बहुत ही लाइट वेट में है, लगाने के बाद पता भी नहीं चलता। और मैंने बाल को कुछ इस तरीके से बांधा हुआ है। और ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा मेकअप, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।